और लाइंस लगी हुई हैं गाड़ियों की, पर सब हेयर भी वो बच्चा पार्टी मेरी डॉलीज जो है ना रेडी हो रही हैं। नाया का जो है ना मूड इस वक्त सख्त ख़राब होता है स्कूल जाने के टाइम पे, बुरी बुरी सी शक्लें बना रही होती है। रिमल इधर आओ, मेरी डोरा रेडी हो गई है। डोरा, डोरा का मूड क्यों ख़राब है आज? डोरा की कौन सी एक्टिविटी है? वेजिटेबल एक्टिविटी। कौन सी एक्टिविटी है बताएं ना? और आपने कौन सी वेजिटेबल रखी है अपने बैग में? लेमन। वेरी गुड। आप स्कूल जा रही हैं? यस। ओके, तो रिमल स्कूल से आ गई है, तो अब तारीख का वक्त हो गया है। सब लोगों को बहुत बहुत जुम्मा मुबारक। नमाज़ पढ़ के फिर मैं जो है ना नया रिमल को थोड़ी देर सुलाया, और ये वो कचौरियाँ जो मैंने रात को बनाई थी तो मैंने अब इनको फ्राई होने रख दिया। और यहाँ पर मैं बना रही हूँ मिनी रेड पिज़्ज़ास। ये मैंने इसके ऊपर जो है पिज़्ज़ा सॉस लगाई, फिर मैंने इसके ऊपर चिकन लगाया, फिर मैंने इसके ऊपर चेडर चीज़ क्रश करके डाली, अब मैं इसके ऊपर ऑलिव लगा रही हूँ, और फिर हम इसको जो है बेक कर लेंगे विदाउट ओवन। ठीक है, ये जब बन जाएगा तो मैं आपको दिखाती हूँ कि इसकी कैसी लुक आ रही है। ये मेरी कचौरियाँ फ्राई होकर आ गई हैं, ये उनकी फाइनल लुक है। और यह रिमल बहुत दिनों से जिद करी थी कि मैंने पिज़्ज़ा खाना है, मैंने सिर्फ पीटा ब्रेड के ऊपर वो पिज़्ज़ा सॉस लगा के फीका चिकन विदाउट स्पाइसेस सिर्फ सॉल्ट के साथ बनाकर और ऊपर चीज़ डाली, इन्होंने और कुछ भी नहीं खाना, तो बस मैंने उनके लिए ये वाला पिज़्ज़ा बनाया। रिमल पिज़्ज़ा कैसे बना है? डिलीशियस। ये रिमल का मैंने फेवरेट आज जो है ना विदाउट स्पाइसेस फीका पिज़्ज़ा बनाया, वो खुश हो रही है ना। आप बताएं पिज़्ज़ा कैसा बना है? कैरी खा के बताती हूँ। यम्मी। मेरी बेटी हैप्पी हो गई है। चलो जी फ्रेंड्स, आप भी खा लें। अफ्तारी कर ली है और चाय भी पी ली है। आज फ्राइडे, आज मैं बहुत रिलैक्स हूँ, मुझे जो है ना आज टेंशन नहीं है कि सुबह बच्चों ने स्कूल जाना है। अब मैं ज़रा अपने बच्चों की बाकी शॉपिंग करने के लिए निकल रही थी, तो इंशाल्लाह ताला मैं आप लोगों को दिखाऊंगी साथ साथ कि मैं कहाँ पर गई हूँ। मैंने बाज़ार जाना था तो मैंने कहा मैं पहले नमाज़ पढ़ लूँ, क्योंकि फिर बहुत लेट हो जाएगा वापस आते आते, तो बस अब मैं नमाज़ पढ़ी थी। तो मियाँ साहब भी कपड़े चेंज कर रहे हैं, फिर इंशाल्लाह मैं निकलती हूँ और फिर मैं आप लोगों को बताती हूँ कि हम कहाँ गए और मैंने क्या क्या लिया बच्चों का। ऐसा है कि मैं निकल चुकी हूँ बाज़ार के लिए, अभी रास्ते में मैं अपनी दर्जन की तरफ जाऊँगी, फिर जो है एक दो ज़रूरी काम करेंगे, फिर अनाजी मिल की शॉपिंग करती हूँ। ऐसा है कि मैंने अपने सूट भी दे दिए हैं दर्जन को स्टिच करने के लिए, और मैंने अपनी फ्रेंड के घर जाना था, मैं वहाँ से भी आई हूँ, बस छोटा सा काम था। अब हम जा रहे हैं इम्पोरियम, और इस कदर रश है जिसे कोई हद नहीं है। और फाइनली मैं इम्पोरियम पहुँच गई हूँ, और ये आप देख सकते हैं कि कितना रश है यहाँ पर और लाइन्स लगी हुई हैं गाड़ियों की। बस अब हम एंटर हो जाएंगे इम्पोरियम में, और जो है ना वहाँ पे जाना है मैंने बच्चा पार्टी से मैंने देखते हैं नायर रिमल के कपड़े, क्योंकि हम ऑलमोस्ट वहीं से लेते हैं, उनका स्टफ़ बहुत अच्छा होता है और जो है ना वैरायटी भी अच्छी होती है, तो आज देखते हैं क्या मिलता है हमें एम्पोरियम से। इस कदर खूबसूरत डेकोरेट करते हैं एम्पोरियम में, इतनी अच्छी डेकोरेशन होती है, ये देखें कितना प्यारा लग रहा है। इतना रश है कि हम उतर के उधर ही खड़े हुए अभी, और जो है अभी तक अंदर जाने की जो है ना डर नहीं आ रही हमारी, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कितना रश है। ये कि मैं एम्पोरियम आ चुकी ही हूँ, पहुँच गए हैं हम एम्पोरियम, आप रश देखें कितना ज़्यादा है, और अभी देखें कहाँ जाते हैं, क्या देखते हैं एम्पोरियम। देखें बच्चों के कपड़े, लेकिन अभी तक कुछ समझ नहीं आया, अभी हम बच्चा पार्टी नहीं गए, लेकिन मैं जब एम्पोरियम आती हूँ ये मेरी मोस्ट फेवरेट चीज़ है कॉर्न्स, और ये मेरे कॉर्न्स बन रहे हैं अभी, वो कह रहे हैं टाइम लगेगा, तो पहले हम कॉर्न्स खाएँगे फिर उसके बाद जो है हम बच्चा पार्टी चलेंगे। उफ, इस कदर यमी, बहुत ही मज़े के, और मैं तो यहाँ पे आऊँ और कॉर्न ना खाऊँ ये तो पॉसिबल ही नहीं है। आप लोग भी जब एम्पोरियम आए तो ये कॉर्न ट्राई करें, बहुत ही मज़े के और टेस्टी स्पाइसी।
हियर वी गो बच्चा पार्टी, बच्चा पार्टी आ गया है, अब हम बच्चा पार्टी में एंटर हो जाएंगे और फिर देखते हैं कि हमने अनार ज़िमल के लिए क्या लेना है। क्या साइज है यार, इस कदर खूबसूरत झूठे लगे हुए यहाँ पर, ये मुझे बहुत अच्छा लगा है अनार के लिए। बहुत मज़े मज़े के कपड़े हैं यहाँ पर, ये अनार ज़िमल के लिए मैंने एक एक शर्ट ली है फॉर कैजुअल वेयरिंग। अभी देखती हूँ और क्या मुझे अच्छा लगता है इनके लिए ना। उफ, एम्पोरियम में तो चल चल के इंसान के जो है ना पाँव जो है ना वो रह जाते हैं, और बहुत ही मज़े मज़े की बच्चों की यहाँ पर वैरायटी होती है। मैंने अनार ज़िमल के ले लिए हैं कपड़े, उनकी सैंडल्स भी ले ली हैं। अब उनके बाबा जो है ना वो बिल कराने गए और मैं बहुत थक चुकी थी, तो मैंने कहा मैं ज़रा बैठूँ, लेकिन मेरी नज़र ज्वेलरी पर पड़ गई है, तो मैंने कहा देखती हूँ। अनार ज़िमल की ज्वेलरी तो मैंने उस दिन ले ली थी, तो वैसे ही मैंने कहा चले वैरायटी देखते हैं। बहुत ही खूबसूरत, मुझे यहाँ के ब्रेसलेट्स बहुत अच्छे लगते हैं, तो मैं देख रही थी कि कैसे हैं। हम घर के लिए जो है ना निकल चुके हैं, ले लिया चीज़ें और जो है ना बस अब हम घर जाएंगे, क्योंकि नया ने रो रो के बुरा हाल किया हुआ, बस अब हम जो है ना रास्ते में हैं। तो मैं घर आ चुकी हूँ और मैंने कहा मैं आपको शॉपिंग दिखा दूँ और इसी के साथ मैं अपना जो है ना व्लॉग एंड करूँगी। ये मैंने बच्चों के लिए बस घर में पहनने के लिए कैजुअल शर्ट्स ली हैं दोनों की एक जैसी, बच्चा पार्टी से ही, मुझे तो बच्चा पार्टी से ही मज़ा आता है शॉपिंग करने का। एक टॉप मैंने ये लिया इस कलर में, ब्लू में, और एक टॉप मैंने लिया है ये ग्रीन एम्ब्रॉयडरी। बहुत ही मज़े के टॉप्स हैं दोनों के, चेंज कर लेते ताकि दोनों पहन सकें। और ये एक जूता मैंने लिया है ज़िमल के लिए बच्चा पार्टी से ही, बहुत ही प्यारी डिज़ाइनिंग जूतों की भी। और ये लिया है मैंने अनाया के लिए, और ये दोनों इनकी शर्ट्स एक जैसी हैं और टॉप्स मैंने चेंज कर लिए हैं। अब इनके साथ कैप्रीज लूँगी दोनों के साथ, किस भी कलर की जो मुझे अच्छी लगेंगी इंशाल्लाह। इसी के साथ मैं अपना व्लॉग एंड करती हूँ। अपना ढेर सारा ख्याल रखें और दुआओं में मुझे भी याद रखें, और इंशाल्लाह ताला कल एक न्यू व्लॉग के साथ मुलाकात होगी। और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कीजिए। अल्लाह हाफिज़।